प्रियंका के छोटे भाई को मोदी की पुलिस ने किया गिरफ्तार। भड़क उठी प्रियंका गांधी। अग्निपथ योजना और नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को लगातार समन किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रही है। सोमवार को आंदोलन स्थल पर जाते समय कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एक अलग चेहरा देखने को मिला। प्रियंका जंतर मंतर पर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली, तभी अचानक से राहुल गांधी समर्थक उनकी गाड़ी पीछे दौड़ता हुआ आया। जैसे ही ये प्रियंका गांधी ने देखा, उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी से कहा कि उसे बुलाकर लेकर आए, जिसके बाद प्रियंका ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और आंदोलन स्थल तक ले गई। बता दें, कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ योजना और नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से हो रही पूछताछ को लेकर 19 जून से जंतर मंतर पर धरने का ऐलान किया। इस धरने की कमान खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने संभाली है। इस सत्याग्रह में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ सांसद और कांग्रेस कार्य समिति के कई सदस्यों भी शामिल थे। ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से लगातार पूछताछ कर रही है। आज भी ईडी की ओर से उन्हें चौथी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले हफ्ते में राहुल को 3 बार समन भेजकर बुलाया जा चुका है।